काशीपुर में कुमाऊं मंडलायुक्त ने बाजपुर रोड स्थित क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर ने जिले के क्वारंटाइन सेंटरों की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया। आपको बताते चले कि पिछले दिनों क्वारंटाइन सेंटरों की स्थिति के बारे में मीडिया जगत में खबरें आने के बाद माननीय हाई कोर्ट के दखल के बाद बीते दो दिन पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और सिविल जज सीनियर डिवीजन अविनाश श्रीवास्तव ने क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया था। कुमाऊं कमिश्नर अरविंद होंकी ने बाजपुर रोड स्थित क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। तो भारत सरकार के और राज्य सरकार के जो समय समय पर जिला प्रशासन को निर्देश जारी होते रहे हैं, एज कमिश्नर मैं उन व्यवस्थाओं को भी देखने के लिए थोड़ी बहुत मॉनिटरिंग, जहां भी आवश्यकता है इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश कहां कहां है उसको जरा हमारे जो फील्ड ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करने के लिए, उनसे जो फीडबैक मिला उसके हिसाब से आगे बेहतर कैसे व्यवस्थाएँ हो सकती हैं, उसी क्रम में ही मैंने अभी कुछ रामनगर काशीपुर कुछ ऐसे सेंटर देखे, क्वारंटीन सेंटर्स या अब जो नए कोविड केयर सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं उनके बारे में मैंने स्थल निरीक्षण करके देखा। अब व्यवस्थाएं बाय एंड लार्ज अच्छी हैं। अब आप लोगों के सहयोग से जन जागृति, जो जन जागरूकता का अभियान है उसको भी जिला प्रशासन के अधिकारी अपने अपने माध्यमों से दे रहे हैं, और चूँकि आप मीडिया के मित्रों का यहाँ खासतौर से काशीपुर इलाके में जैसे मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी है, आप लोगों ने बहुत राशन वितरण वगैरह में बहुत अपने स्रोतों से कार्रवाई की है, मैं उसके लिए आपको साधुवाद देता हूं। और आगे आने वाले समय में चुनौती बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोविड के पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, जितने माइग्रेंट्स हमारे आ रहे हैं अलग अलग संवेदनशील क्षेत्रों से, स्वाभाविक है कि वो कुछ न कुछ कैरी करके आ रहे हैं इस तरह के वायरस, तो उन्हीं को शुरुआत में ही जहाँ वो अपना यहाँ उतर रहे हैं वहीं से उनको क्वारंटाइन करने की कोशिश हो रही है, और क्वारंटाइन करने के बाद उनके टेस्ट सैंपल्स वगैरह लेकर के और 10-12 दिन 14 दिन का उनको यहाँ पे एक अंतराल देने के बाद ही फर्दर उनके गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था हो रही है, जो सक्सेसफुली चल रही है, उसका फ़ायदा भी मिल भी रहा है। यद्यपि थोड़ी बहुत 14 दिन की असुविधा लोगों को हो रही है, अभी मैं सेंटर्स में गया था तो वो लोग भी आतुर हैं कि जल्दी से जल्दी घर जाएँ, लेकिन प्रोटोकॉल है क्योंकि उन्हीं की सुविधा उन्हीं की सुरक्षा ज़रूरी है, साथ साथ उनके अपने परिवारजन की भी सुरक्षा ज़रूरी है, समाज की सुरक्षा ज़रूरी है। थोड़ी बहुत उनको असुविधा के बावजूद भी उनके भोजन की, प्रवास की, स्वच्छता की सारी और स्वास्थ्य की भी अगर उनको कोई इस तरह के बाकी दिक्कतें हो रही हैं तो एम्बुलेंस वहाँ पर है, डॉक्टर्स वहाँ पर है, 24 घंटे उनकी सेवा करने को तत्पर है, सुरक्षा के बंदोबस्त वहाँ पर हैं, तो अच्छा परिणाम उसका मिल रहा है।